तो उस तो मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिला था जिसके अंदर बात की थी स्टूडियो सेटअप वन नाम से, जो आपको वीडियो मिला था और हेडफोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कौन से हेडफोन्स हैं, स्टार्टिंग से मैं अब तक कौन से हेडफोन्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा फिर से जो है आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही जो है नेक्स्ट मॉर्निंग आपको एक और सरप्राइज़ वीडियो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ जो कि स्टूडियो से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। बात करें इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स के बारे में, तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है 8K 120 फ्रेम सेकंड के ऊपर एक्सबॉक्स जो है जल्दी निकल के आएगा हालो इन्फिनाइट के साथ 2020 के अंदर लॉन्च कर रहा है। साथ ही दोस्तों हालो का जो एक्सबॉक्स वन सक्सेसर है वो भी 2020 के अंदर निकल के आएगा जो कि होगा प्रोजेक्ट स्कारलेट के नाम से यहाँ पर अभी जाना जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं फिर 2020 में क्या कमाल कर पाता है हालो। नेक्स्ट डेट दोस्तों फिर से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से निकल के आ रही है, जो प्रोजेक्ट एक्स क्लाउड है उसका प्रीव्यू लॉन्च अक्टूबर में करने वाला है इसी साल यानी 2019। दोस्तों साथ ही जो गैलेक्सी S10 है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है गूगल स्टाडिया को टेक ओवर करते हुए एक्स क्लाउड जो गेमिंग स्ट्रीमिंग सर्विस है तो सैमसंग गैलेक्सी S10 के अंदर हालो शुरू कर दिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही पॉपुलर गेम है। नेक्स्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर इंडिया के कुछ रूल्स वगैरह को लेकर, तो यहाँ पर जो है उबर की तरफ से निकल के आ रही है, तो उबर ने यहाँ पर बोला है कि जल्दी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर निकाल कर देने ही होंगे। 2026 तक का यहाँ पर टारगेट था लेकिन उससे पहले लेके आने पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिमांड है क्योंकि जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा और हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है ओला उबर जैसी महंगी यहाँ पर सवारी को। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है तो लगभग 30-40% जो है लेस हो जाएगा किराया, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट प्लेट निकल के आ रही है दोस्तों ID सॉफ्टवेयर की तरफ से फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो कि स्ट्रीमिंग है वीडियो गेम के यहाँ पर स्ट्रीमिंग होती है उनको यहाँ पर लेकर जो है स्ट्रीमिंग वीडियो को और भी ज़्यादा यहाँ पर बेटर बनाने के लिए। स्ट्रीमिंग के अंदर काफ़ी सारी जो दिक्कतें आती हैं जो कि क्लाउड बेस्ड स्ट्रीमिंग आगे फ्यूचर में यहाँ पर चलने वाली है उसको भी यहाँ पर साथ में लिया है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं उन सबको यहाँ पर फिक्स करने के लिए जो है एक फ्रेमवर्क बनाई जा रही है जिससे जो स्ट्रीमिंग है वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर हो पाए, उसके लिए जो हैवी कंप्यूटर वगैरह की जरूरत ना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट ब्रांड निकली आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने नो स्पाई एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए US से यहाँ पर मतलब तैयार है, बिल्कुल US को बोल दिया है कि मैं यहाँ पर साइन करने के तैयार हूँ। यहाँ पर जो नो स्पाई एग्रीमेंट से मतलब है किसी प्रकार का मालवेयर या फिर वायरस जो है हुआवे के किसी भी सर्वर या फिर हुआवे जो है इस प्रकार का यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा, सिक्योरिटी ब्रीच जैसी जो है समस्या हुआवे की तरफ से ना निकल के आई। दूसरा यहाँ पर जो है US ने हुआवे के अगेंस्ट जो है एक्शन लेते हुए बोला है कि जो हुआवे ग्लोबली यहाँ पर 5G रोल आउट कर रहा है उसे किस प्रकार से यहाँ पर रोका जाए, मतलब हुआवे को थोड़ा बहुत यहाँ पर बोला है कि ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हुआवे Mate 30 हुआवे की तरफ से यहाँ पर क्रिन 985 के साथ लॉन्च हो रहा है। अगर हुआवे कहा नो स्पाई एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो गूगल यहाँ पर कंटिन्यू हो जाता है, तो एक मतलब कुछ लग रहा है कि गूगल जल्दी हुआवे को मिलने वाला है और हुआवे के ऊपर से बैन हटने वाला है जल्दी, क्योंकि 90 डेज गूगल ने यहाँ पर दिए थे बताए थे तो वो शायद कुछ अभी तक तो हुआ भी नहीं है पूरा उससे पहले। नेक्स्ट हुआवे की तरफ से दोस्तों हुआवे का जो होमिंग OS है वो ट्रेडमार्क हो चुका है लगभग 15 कंट्रीज के अंदर, तो इसी के चलते जो है US ने कुछ यहाँ पर किया होगा, इतनी सारी दुनिया को अगर पसंद आ रहा है तो कुछ तो बात है हुआवे के अंदर। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है Xiaomi के MI Band 4 की तरफ से। अच्छी बात है कि इसके अंदर जो है NFC वेरियंट भी है यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है और सपोर्ट करेगा पेमेंट सर्विसेज को भी। कल जो है दोस्तों 11 जून को दोपहर 2 बजे इसकी लॉन्चिंग है चाइना के अंदर और सिर्फ 3500 रुपये में आप इसे बाद में परचेज कर पाएंगे, इसकी प्राइस सिर्फ 3500 रुपये होगी। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों SMD ग्लोबल की तरफ से निकल के आ रही है। SMD ग्लोबल या कि फिर कहें कि नोकिया जो है अपने आप को ही स्टूपिड यहाँ पर साबित करने में लगा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो सीरीज निकालता है जो कोड नेम्स वगैरह होते हैं इसके जैसे कि 6.3 या फिर 4.1 5.1 5.2 ये कैसी मतलब सीरीज यहाँ पर निकाल कर दे रहा है, शायद आपको पसंद आए या फिर ना आए, लेकिन एक अलग बात यहाँ पर है कि ये किसी को समझ में नहीं आती है, तो शायद इसी से जो है यहाँ पर कुछ डाउन यहाँ पर हो रहा है SMD ग्लोबल का नोकिया। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकली आ रही है US न्यूज़पेपर्स को लेकर, जो है गूगल और US मजाक मजाक यहाँ पर चल रहा होगा जो भी है, लेकिन गूगल जो है 2018 में पूरे साल यहाँ पर जो है न्यूज़ के साथ साथ एडवर्टाइज कर करके ऑनलाइन यहाँ पर लगभग $4.7 बिलियन कमा चुका है। साथ ही यहाँ पर जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के टीवीज़ या फिर स्मार्ट टीवीज़ डिस्प्लेज वगैरह लगाई उनके अंदर एडवर्टाइजमेंट चलती है US के अंदर, उसी की कमाई है 2018 की $5.1 बिलियन इतनी कमाई उसकी हो गई है।
तो कुल मिलाकर कहा यह जाए कि यहाँ पर जो है गूगल इससे यहाँ पर जीत रहा है, और फ्यूचर में जो है ऑनलाइन ट्रेंड कुछ ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है, तो उसके चक्कर में जो है होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें दोस्तों, निकली आ रही है एप्पल की तरफ से, एप्पल का आईफोन 7 अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रिपेयर किया हुआ मिल रहा है अमेजोन के ऊपर 90 डेज की वारंटी के साथ सिर्फ 15,000 रुपये में, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट डेट है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की तरफ से, ऑफिशियली जो है यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट का पता चल गया, जैसे कि हम रोज बात करते हैं अगस्त में होगा सेप्टेम्बर में होगा, लेकिन पर जो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया यूएस के अंदर अगस्त 10 को जो है इसकी लॉन्चिंग यहां पर कंफर्म हो गई है। तो पूरी तरह से जो है इसकी तैयारियां यहां पर चल रही है, तो देखते हैं किस प्रकार से यहां पर धमाल मचा पाता है ये वाला मॉडल सैमसंग का। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, फिर से निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, इंडिया के अंदर जो है 3 और स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और ये जो है पिछली सीरीज के सक्सेसर हैं। यहाँ पर जो है A20s, A30s और A70s, ये तीनों स्मार्टफोन जो हैं जल्दी निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट निकल के आई है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये सीरीज कितनी पसंद है सैमसंग की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, अगर आप रखते हैं 1+5 और 5T तो आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर ऑक्सीजन OS 9.0.6 आपको मिल रहा है, साथ ही जो है मई 2019 की यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पिच लेवल की अपडेट है वो भी इसके अंदर घुसा कर आपको यहाँ पर मिल रही है। तो कुल मिलाकर आपका जो है 5 और 5T काफ़ी अपडेट यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, इंडिया के अंदर जो एक और गेमिंग स्मार्टफोन ऐड हो रहा है वो रेड मैजिक 3। तो ये काफ़ी बढ़िया एक स्मार्टफोन है, और इसके अंदर जो है 12 GB की रैम, साथ ही जो है 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आप स्नैपड्रैगन 855 के साथ इसको ले सकते हैं सिर्फ 35,000 रुपये से स्टार्टिंग। अगर 12 GB रैम वेरियंट लेते हैं तो आपको लगभग 39,999 रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे, और इसके अंदर जो है आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके 48 MP रियर सेंसर के साथ। यहाँ पर जो है 1920 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर स्लो मोशन वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है एक बबाल फोन इंडिया में निकल के आ रहा है, काफी कमाल का है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन्स आपको पसंद है या नहीं है। नेक्स्ट और बड़ी अपडेट निकल आ रही है दोस्तों यूके की तरफ से, 5G लॉन्च कर रहा है अगस्त के अंदर, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है यूके ने भी। तो अगस्त के अंदर यूके में भी 5G आ जाएगा, इंडिया तो पता नहीं कब आएगा। नेक्स्ट बात दोस्तों निकल आ रही है यूएस आर्मी की तरफ से, यहां पर जो है कि एडवांस क्वालिटी का जो है कि जीपीएस रेडी कर रहा है यूएस आर्मी, और इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। जो ट्रूप्स हैं आर्मी के अंदर उन सबको यहां पर जीपीएस डिवाइस दी जाएगी, और उसको जो है दूर से यहां पर गाइड कर दिया जाएगा, जो भी यहां पर जंपिंग करनी है किसी फॉल के ऊपर। तो काफी कमाल हो जाता है यहां पर किस दुश्मन की टोली के अंदर घुसकर किस प्रकार से मारना है, किस प्रकार से रणनीति बनानी है, पूरा पूरा जो है जीपीएस के साथ यहां पर कंट्रोल किया जाएगा फ्यूचर में। दोस्तों ये न्यूज अपडेट आपको कितनी पसंद आई है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ चेंजेस अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के अंदर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।